मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। भारत परंपराओं और संस्कारों का देश है। यहाँ की परंपराओं पर अगर गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मौलिक कारण ज़रूर है जो इंसान की सेहत और सुख दोनों से जुड़ा है। इस खास श्रेणी में महिलाओं का श्रृंगार भी आता है जिसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हर एक औरत को आभूषणों का सजने संवरने का काफ़ी शौक होता है। उनका बस चले तो वो सिर से पांव तक सोने से लग जाएं, लेकिन ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। एक चीज़ तो आपने भी ज़रूर नोटिस की होगी कि शरीर के हर एक अंग के लिए सोने के गहने बनते हैं, लेकिन पैरों के लिए कभी सोने की कोई चीज़ बनाई क्यों नहीं जाती। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए जानते हैं। दरअसल सोने के आभूषण शरीर के ऊपरी भाग में धारण किए जाते हैं और वेदांग की मान्यता है कि सोना संसार के पालक श्री हरि विष्णु को सर्वाधिक प्रिय है। इसीलिए स्वर्ण आभूषण नाभि से ऊपर ही धारण किए जाएं और यही वजह है कि श्रृंगार का क्रम सिर से होते हुए पैरों तक पहुंचता है। ये तो हुई सोने की बात, अब करते हैं बात मांग टीका की, जिसके बिना शादियां नहीं होती। हिंदू मुस्लिम दोनों ही शादियों में इस गहने का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं वेदों में कहा गया है कि औरतें जब भी श्रृंगार करें तो वो सबसे पहले मांग टीका धारण करें, क्योंकि ये पति द्वारा प्रदान किए सिंदूर का रक्षक होता है। ललाट पर लटकता हुआ इसका अंतिम छोर दोनों भवों के नीचे पहुंचता है जहां पुरुष तिलक लगाते हैं। इसीलिए इसका नाम मांग टीका है, क्योंकि ये पूरी तरह मांग को आच्छादित करके टीके के स्थान पर पहुंचता है। तो अब तो आप जान गए ना कि आखिर सोने को हम पांव में या कमर के नीचे क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करते हैं सोने से जुड़ी ये खास जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप ये जानकारी अपने दोस्तों और अपने जानकारों के साथ भी ज़रूर साझा करेंगे। ऐसी ही कुछ और मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग बातों के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।